से आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों जैसा कि हाँ आपको पता है हम पंचायती राज विभाग से जो भर्ती निकाली गई थी पंचायत सहायक की उसके बारे में लगातार हर जिले की लेटेस्ट अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने ये भी बताया था कि हम पूरी ट्रेनिंग इसकी अपने चैनल के माध्यम से देने वाले हैं तो दोस्तों बिल्कुल ही हम इसको स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो को देखें और आप उस सही जानकारी से रूबरू हो सकें दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान प्रिंट दोस्तों यह प्रमाण पत्र है उस चीज़ का प्रूफ है कि आपने जो ट्रेनिंग हुई है लखनऊ में जो ट्रेनिंग हो रही है वो आपने ले लिया है वहाँ पे ये चीज़ आपको दिया जा रहा है पंचायती राज विभाग की तरफ से कि आपने प्रशिक्षण ले लिया है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपको दे दिया जा रहा है और दोस्तों इसके बिना इसके बिना यह भर्ती आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी वहाँ पे पहुँचना और प्रशिक्षण लेना बहुत ही जरूरी है किसी भी दशा में आपको वहाँ पहुँचना है जो कि मैंने पिछली कई वीडियो में आपको बताया भी है तो दोस्तों ये है प्रमाण पत्र जब आप प्रशिक्षण कंप्लीट कर लेते हैं दो दिन का प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं तो आपको यह प्रमाण पत्र वहाँ के ऑफिस द्वारा दिया जाता है दोस्तों ये हो गया प्रमाण पत्र जो कि आपको जरूर लेना है ट्रेनिंग के बाद दूसरी चीज़ दोस्तों आप देख रहे हैं ये है आरेंटी कार्ड ये भी ये इटावा का मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी आपको वहाँ से ही मिलेगा और बिल्कुल ये भी आपको जरूर लेना है देखिए दिनांक छः ग्यारह दो हज़ार इक्कीस को यहाँ पे जो है कि नियुक्ति हुई है तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये लाभार्थी का नाम वगैरह पूरा यहाँ पे विधिवत मौजूद है माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम मतलब कि वहाँ पे जब भ्रमण के लिए आए थे तो वहाँ पे इनको उस तरीके से इसको दिया गया था पंचायती राज विभाग की तरफ से ये ये आपको वहाँ भी मिलेगा ट्रेनिंग के बाद तीसरा दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये लेटर देखिए हरियाला ग्राम ग्राम पंचायत विकास खंड का नाम है पंचायती राज विभाग तीन के निर्गंधन साधना ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे नाम लिखा हुआ है क्या चीज़ है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ से देखिए आप सत्रह अगस्त दो हज़ार इक्कीस पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के प्राप्त आवेदन ग्राम पंचायत का स्तर पर ग्राम पंचायत की पंचायत अनुमोदन अभ्यर्थी की पात्रता हरता प्रशिक्षण जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई प्रशिक्षण में अभ्यर्थी कुमारी प्रिया मार मतलब जो भी है इस तरीके से वहाँ पे आपको प्रमाणित भी करवाना पड़ेगा विकास खंड का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे आपका नाम आपके जो भी हैं ग्राम पंचायत का नाम और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं छः हज़ार रुपये मानदेय है ये भी पूरा लिखा गया है उसके बाद यहाँ पे मतलब पूरा एग्रीमेंट टाइप लिखे लिखा गया है अनुबंध तो नहीं है लेकिन वहाँ से जो है कि इसी तरीके की है यहाँ पर जो है कि ग्राम प्रधान का भी सिग्नेचर रहेगा ग्राम पंचायत का विकासखंड का सबका यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह रहेगा ये आपको ब्लॉग पे प्रशिक्षण के बाद मिलने वाला है दोस्तों ये भी लेना ना बोले आप लोग जरूर लें दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली जानकारी के साथ फिलसिल फिलहाल के लिए बिता लेंगे जय हिंद